महाराष्ट्र चुनाव नतीजों को आए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन ईवीएम पर विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हो रहे। ईवीएम पर फिक्सिंग का आरोप लगाने की बात अब पुरानी हो चुकी है और अब तो बाकायदा उसके खिलाफ यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम विरोधियों को खरी खरी सुना दी। हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। राजा की आत्मा ईवीएम में है। ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकती। दोष कमी वोटिंग मशीन में या फिर सच में हार के बाद ईवीएम ठीकरा फोड़ने का जरिया भर है। जिस ईवीएम से करोड़ों मतदाता वोट देते हैं उसे लेकर विपक्ष और खासकर राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के चौंकाने वाले नतीजों के बाद अब कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ यात्रा निकालने जा रही है। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर बैलेट पेपर हमको चाहिए। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के इस ऐलान से एक दिन पहले ईवीएम को लेकर उठने वाले तमाम सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दस्तक दी है और इलेक्शन में बैलेट पेपर पोस्टिंग सिस्टम को दोबारा शुरू करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा, ईवीएम से पार्टियों को दिक्कत नहीं है, आपको क्यों है, ऐसे आइडिया कहां से लाते हो। इस पर याचिकाकर्ता के ए पॉल ने कहा, चंद्रबाबू नायडू और वाई एस जगनमोहन रेड्डी जैसे नेताओं ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ पर सवाल उठाए हैं। इस पर बेंच ने कहा, चंद्रबाबू नायडू या जगन मोहन रेड्डी जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ होती है और जब वो जीतते हैं तो कुछ नहीं कहते। मोदी जी के घर में ईवीएम मशीन है, ई फॉर एनर्जी, वी फॉर विकास, एम फॉर मेहनत, मशीन की तरह मोदी जी काम करते हैं। ही वर्क्स लाइक अ मशीन एंड ही हैज ईवीएम। वो ऊर्जा उनके पास है और वो अतुलनीय मेहनत ईवीएम, उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट। खराबी मशीन में नहीं है, खराबी लीडरशिप में। ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस की इस यात्रा को बीजेपी महाराष्ट्र में मिली करारी हार से जोड़कर देखती है, जहां पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन कामयाब हो जाता है। लेकिन हार जीत के इस खेल से इतर कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कहना शुरू कर दिया है कि उन्हें ईवीएम नहीं चाहिए। एक राजन राज्यमध्ये काँग्रेस आणि एक लहानसे राज्य यशासाठी आणि मोठे राज्य देश में लंबे वक्त से आरोप लगते आ रहे हैं कि ईवीएम से वोट फिक्स हो जाता है। ईवीएम से बटन चाहे किसी का भी दबाओ, वोट किसी खास दल को जा सकता है। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। लेकिन अदालत में ईवीएम के खिलाफ दिए जाने वाले ये सभी तर्क ध्वस्त हो जाते हैं। 16 अक्टूबर को कांग्रेस की ओर से हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 20 सीटों पर वोटिंग काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने ईवीएम से हरियाणा में चुनाव कराए हैं
उसी के आधार पर रिजल्ट भी घोषित किए गए, मगर कुछ ईवीएम 99% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि कुछ 60, 70 और 80% से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी। कुछ ईवीएम में काउंटिंग वाले दिन भी 99% बैटरी थी। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका दायर करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, आप कागजात सौंपिए, हम देखेंगे। किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वाकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वासी लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। ईवीएम पर जब भी सवाल उठे हैं, तब तब चुनाव आयोग सभी सियासी दलों को उसमें गड़बड़ी की संभावनाओं को जनता के सामने लाने का मौका देता है, लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक कोई भी दल उनके पास नहीं गया। लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ यात्रा निकालने का ऐलान कर इस विवाद को एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। क्या ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है? इस सवाल के जवाब में आज तक कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया, फिर भी विपक्षी दल बार बार इस पर संदेह करते हैं। बीजेपी भी जब साल 2009 में चुनाव हारी थी, तब उसकी तरफ से ईवीएम पर एक दफा सवाल उठाए गए थे, लेकिन मजे की बात यह है कि तब जीतने वाली कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की बात नहीं कही, जिससे ये सवाल मजबूत होता है कि क्या ईवीएम हारने वाली पार्टियों के लिए पंचिंग बैग बन गया है। ईवीएम को आए 20 साल हो चुके हैं, और इन सालों में 156 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से 51 बार राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 5 बार लोकसभा के चुनाव हुए, 3 बार बीजेपी, 2 बार कांग्रेस का पीएम बना। ऐसे रिकॉर्ड के बावजूद महाराष्ट्र में करारी हार महाविकास अघाड़ी को बर्दाश्त नहीं हो रही, और उसके नेता एक सुर में ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 61 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ईवीएम के जरिए वोट किया। सभी 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ। 543 लोकसभा की 4123 विधानसभा सीट पर पेपर स्लिप गिनती हुई। कुल 20,687 वीवीपैट पेपर स्लिप की गिनती हुई, जिसमें एक भी गलत नहीं निकला। फिर भी महाराष्ट्र चुनाव के बाद विपक्षी दल लगातार ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है, जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं, वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। ईवीएम को कटघरे में खड़ा करते हुए एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र अवहाड़ एक दावा करते हैं, बताते हैं कि जिस परिवार में 32 वोट है, उस परिवार के कैंडिडेट के 0 वोट दिखाना सवाल खड़े करता है। महाराष्ट्र लिया, झारखंड लिया, ताकि आपको शक ना आए। क्या बोलेंगे, अरे झारखंड में तो तुम जीते ना, तुम ईवीएम पे। मैं हमेशा कहता था कि ये छोटे चुनाव है, वो हमेशा दे देंगे आपको, और बड़ा चुनाव खाके लेके जाएंगे। जब लोकसभा के पहले कर्नाटका वगैरह कुछ चुनाव हुए, वो हम जीत लिए, हम भी हवा में चले गए। नहीं नहीं नहीं, ईवीएम बराबर, ईवीएम। ईवीएम का इस्तेमाल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है, यानी दाना डालो, पंछी लो, इधर से बड़ा हाथी मार लो, थोड़ा सा दाना डालो, एक पंछी उड़ा डालो, और इधर से बड़ा हाथी खींच लो। शरद पवार ने अपने हारे हुए उम्मीदवारों की शिकायतों के संबंध में कानूनी लड़ाई के लिए वकीलों की एक टीम को बनाने का फैसला किया। शरद पवार ने अपने हारे उम्मीदवारों से साफ कहा कि आरोप लगाने की जगह ईवीएम या चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के बारे में सबूत इकट्ठा करें। दरअसल 28 नवंबर तक वीवीपैट सत्यापन का समय है, इसलिए शरद पवार ने तुरंत वीवीपैट की जांच करने के लिए कहा है। 50,000, 40,000, 70,000 से हमारे उम्मीदवार वहाँ पे अनसक्सेसफुल रहे। इनका कहना ऐसा है कि जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे मतदार है, उनको क्वेश्चन मार्क है मशीन पे, ईवीएम मशीन पे। अभी सबका कहना ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन से आप बात करो,
कोर्ट से बात करो, इलेक्शन कमीशन को विनती करो कि ये जो मशीन है ईवीएम मशीन, हम जो बताएंगे वो मशीन लाने की, और चार दिन हमको उस मशीन का पोस्टमार्टम करना है, हमको समझ लेना है कि हमारी जो शंका है कि अचानक 40,000 मतदान एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे बढ़े। बैलेट बॉक्स चुनाव की सबसे बड़ी दिक्कत इसकी लूट को माना जाता है। पश्चिम बंगाल में पिछले साल हुए चुनाव में सारे देश ने बैलेट बॉक्स की लूट की तस्वीरों को देखा। इस घटना ने पहले के समय की याद दिला दी, जब चुनावों में बैलेट बॉक्सों की लूट आम बात थी। इसकी काउंटिंग में भी काफी वक्त लगता है। इसी धांधली को देखते हुए देश को ईवीएम में एक निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद दिखी, लेकिन विपक्ष को लगता है कि कहीं न कहीं उसकी लगातार शिकस्त में ईवीएम का बड़ा हाथ है। अमेरिका में चुनाव में क्या हुई, 25% मतलब ऐसा हुई, बाकी सारे बैलेट पे हुई। तो अमेरिका में दो किस्म के चुनाव के, दो किस्म के प्रक्रिया है, एक बैलेट भी है, डिजिटल भी है। तो अमेरिका क्यों ऐसा करते हैं, तो हुआ क्यों, आज की तारीख पे भी बैलेट पेपर की इस्तेमाल किया करते हैं, इसमें थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग तो बिहार में देखे हैं कि बैलेट का लूट कैसे होता था, कैसे ही लोग सरकार बनाते थे कांग्रेस वाले बिहार में बैलेट लूट करके। एकदम ईवीएम सही है, ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए। जब जीत गए तब कुछ नहीं बोलते हैं, हार गए तब ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। ईवीएम टेस्टेड है, उसके और इम्प्रूव करने का कोई तरीका हो, वो जो आपको पर्ची मिलता है उसको और नंबर बढ़ाना हो करना चाहिए, बैलेट से तो कभी चुनाव नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव के बाद हारने वाले प्रत्याशियों की तरफ से लगातार ईवीएम को कोसा जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ जिसमें एमएनएस के दहेसर से कैंडिडेट ने अपने बूथ का जिक्र करते हुए ईवीएम पर सवाल खड़े किए। दावा किया कि उनके घर में चार वोट थे लेकिन बूथ की ईवीएम में सिर्फ दो वोट निकले, लेकिन बीएमसी की जांच में सामने आया कि उन्हें उस बूथ पर दो की जगह 53 वोट मिले थे। इस तरह हर चुनाव ईवीएम के लिए अग्नि परीक्षा हो गया। मुंबई से साहिल जोशी, ऋतिक भाले का, मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।